दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। विवाह वो मौका होता है जब एक लड़की अपना सुख दुख, अपनी इच्छा, अपना सब कुछ एक ऐसे इंसान को सौंप देती है जिसे वो अच्छी तरह से जानती भी नहीं, जिसे वो अच्छी तरीके से जानती भी नहीं। नहीं चाहिए हिस्सा भैया मेरा मायका सजाए रखना, कुछ ना देना मुझको चाहे बस प्यार बनाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना। बेटी हूँ सदा इस घर की ये सम्मान बनाए रखना, के बेटी हूँ सदा इस घर की ये सम्मान बनाए रखना। शादी के समय एक बेटी इसलिए नहीं रोती कि वो अपने माँ पापा से दूर जा रही है, बल्कि इसलिए रोती है कि उसके माँ पापा उसके बिना अकेले रह जाएंगे। लव यू माँ। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारी दीदी छोड़ मुझे तुम अपने ससुराल चली, अब तो हर पल याद तुम्हारी आएगी। किससे करूँगी अपने मन की बात, कौन मुझे समझाएगी। अगर आप मेरी वीडियो या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि वीडियो मेरी कैसी लग रही है। बेटों से ज़्यादा बेटियां रिश्तों की कदर करती हैं, तभी तो दूर रहकर भी वो अपने रिश्तों की फिक्र करती हैं, तभी तो वो दूर रहकर भी अपने रिश्तों की फिक्र करती हैं। विदाई हो जाती है बेटी की पर वो पराई नहीं होती। अगर नसीब किसी का किसी भी तरह खरीदा जा सकता तो दुनिया का हर बाप खुद को बेचकर भी अपनी बेटी का नसीब खरीद लेता। हर बाप को फिक्र होती है अपनी बेटी की कि शादी के बाद उसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, मेरी बेटी हमेशा खुशी रहे। बेटी की विदाई में तो हर कोई रोता है। ससुराल तुम्हारा होगा संसार हर रिश्ते की मर्यादा तुम रखना, भेदभाव बिन रहना प्यारी अपनी जिम्मेदारी पर खरी उतरना। कि ससुराल में तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है, सारे कर्तव्य निभाने हैं, सबकी इच्छाओं का मान भी रखना है। मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, इस रीत को खुशी से निभाते रहो। पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए, जो भी मिले राहों में दोस्त बनाते चलो। सही कहा है किसी ने कि सच्चा दोस्त और सच्चा हमसफ़र किस्मत से मिलता है, जिसे ये मिल जाए उसकी तकदीर से भर जाए। इसीलिए बेटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रीतियों का चलन चल रही हूँ, हाँ माँ बिछिया पहन चल रही हूँ, नाक नथनिया पहन चल रही हूँ, माँ क्या सच में दुल्हन बन रही हूँ। बेटी जब दुल्हन बनकर पहली बार अपने पिता के सामने आती है तो उसको देखकर दुख के खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। डोली चाहे अमीर के घर से उठे चाहे गरीब के घर से, चौखट हर एक बाप की सुनी होती है। जी हाँ, के हर किसी के घर में एक बेटी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि किसी की चौखट कुवारी ना रह जाए। इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक।